हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपना YouTube पे चैनल बना के ऑनलाइन क्लासे हैं वो स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप YouTube पे अपना चैनल क्रिएट करके ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी सिस्टम चाहिए और कैसे सिस्टम उसका यूज करोगे। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें हैं वो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर बताने वाला हूँ। तो यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपको सिस्टम बताने वाला हूं वो मैं आपको बताऊंगा ड्राइविंग पेन ग्राफिक डिस्प्ले वाला। तो इससे आप लेक्चर है वो कैसे शूट करोगे, आपको क्या क्या सिस्टम चाहिए वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो उसमें आपको मेन दो सॉफ्टवेयर भी चाहिए, एक तो जूम और दूसरा है वो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए कैमटेशिया नाम से सॉफ्टवेयर आता है। यदि आपको दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप डायरेक्ट वो डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हल्का सा डेमो दिखा देता हूँ कि लेक्चर है वो पेड पे किस टाइप से शूट होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप से आप वो पेड के अंदर है वो बच्चों का है वो स्टडी करा सकते हो। जैसे मान लो कि मैं तो अपना कोई भी एक टॉपिक लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो मतलब पढ़ा रहे हो वो लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ ना, TE, तो इस हिसाब से आप जो भी बच्चों को टॉपिक पढ़ाना चाहते हो तो अभी आपको स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है वैसे है वो दिखेगा। तो इस टाइप से आप वो बच्चों को है वो स्टडी करा सकते हो। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, उन ऑप्शनों को भी आप है वो यूज़ में ले सकते हो। फिर भी आपके कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई है वो तुरंत दूंगा। धन्यवाद। और इसके साथ साथ आपको एक टॉपिक और बता देता हूँ मैं वीडियो एंड करने से पहले। जैसे आप व्हाइट बोर्ड तो साथ साथ में यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप वो स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे स्क्रीन शेयरिंग पे आ गया मैं, उससे पहले आप कोई भी एक डायग्राम उठा लीजिए। जैसे मान लो कि मैंने ये डायग्राम है वो, या यहाँ से ये डायग्राम मैंने उठाया है, वो डायग्राम उठाने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग कर दूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ से पेन वगैरह वो वापस ले लूँगा। तो आप डायग्राम के अंदर भी कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा दूँ इस टाइप से, ठीक है। तो आपको जो भी बच्चों को समझाना है या यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हो, जैसे मुख गुहिका के बारे में कुछ समझाना चाहते हो, मुख गुहा, तो इस हिसाब से आप वो बच्चों को ऐसे कुछ भी है वो समझा सकते हो। मेरा एक एग्जांपल तौर पे आपको बताने का था, तो इस तरीके से आप वो बना सकते हो। और वापस यदि आप व्हाइट बोर्ड पर जाना चाहते हो तो आप यहाँ स्क्रीन शेयरिंग पर वापस व्हाइट बोर्ड पर आ सकते हो। तो ऐसे बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। चलिए अब आपको प्रैक्टिकल तौर पर दिखाते हैं कि इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, लेक्चर शूट करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि सबसे पहले आपको इस टाइप का एक डिस्प्ले पेड चाहिए। यदि आपको ये पेड परचेज करना है तो वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, जिसे आप डायरेक्ट जाके वो परचेज कर सकते हो। ये 30,000 से 40,000 के बीच में आपको ये पेड है वो ऑनलाइन है मिल जाएगा। यदि आप ऑफलाइन इसे परचेज करते हो तो थोड़ा कम है वो प्राइस मिलेगी। तो अब आगे का क्या सिस्टम है वो सारा का सारा मैं वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। इस पेड के अंदर आपको क्या क्या सिस्टम मिलता है, एक तो पेन फ्री मिलेगा, और उसके अंदर जो पेन की निफिल आती है, मैं जूम करके दिखाता हूं, ये जो आगे वाली निफिल आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये आपको 6 या 7 है वो इसके अंदर पेड में फ्री आएगी, ठीक है। जिसे आपकी ये ख़राब हो जाती है तो आप इसे वापस अब यूज़ कर सकते हो, लगा के नहीं। तो चलिए, मैंने ये सिस्टम है वो सारा का सारा है वो देखिए, ये देखिए पीसी से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और ये केबल यहाँ से आके यहाँ देखो HDMI के अंदर है वो कनेक्ट की हुई है। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, HDMI के अंदर है वो कनेक्टेड की हुई है। उसके बाद मैंने एक USB पोर्ट लगाया जिसके अंदर मैंने एक माइक को कनेक्ट किया है, और उसके साथ एक ऊपर है वो कैमरा है वो अलग से कनेक्ट किया है। तो मैं आपको कैमरा भी जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये कैमरा आप देख रहे हो मैंने अलग से लगाया है। क्यों अलग से लगाया है, क्योंकि जो लैपटॉप का कैमरा आता है वो इतना बेटर नहीं आता है, जिससे क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिल पाती। तो मैंने अच्छी क्वालिटी पाने के लिए ये कैमरा है वो लगाया। ये कैमरा भी आपको 10,000 या 12,000 रुपये में ऑनलाइन मिल जाएगा, इसका भी मैं आपको लिंक है वो वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो उसके बाद आपको एक माइक चाहिए, तो माइक आप अपने हिसाब से कोई सा भी माइक है वो खरीद सकते हो। मैंने ईयरफोन के साथ है हेडफोन भी यूज में लिया है। तो ये माइक आपको किस लिए चाहिए कि आप लेक्चर रिकॉर्डिंग करते हो उस समय आपका जो ऑडियो है वो साथ में रिकॉर्ड हो। तो अब जो सॉफ्टवेयर है उनको आप कैसे यूज करोगे वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। ये सारा सिस्टम आप अपने लैपटॉप के अंदर कनेक्ट कर लोगे, उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाऊंगा कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर है वो कनेक्ट करने हैं। एक तो गूगल जूम चाहिए आपको, और दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो कैमटेशिया नाम से सॉफ्टवेयर आता है, उसका लिंक नीचे वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए आप डिस्प्ले पे चलते हैं और चल के दिखाता हूँ आपके, तब इसके साथ आएगा। और इस पर हाथ पे आप कितना भी चलाओ ये कोई भी वर्क नहीं करने वाला है जब तक आपके हाथ में ये पेन नहीं होगी। तो ये सिर्फ पेन से ही काम करेगा, बाकी अदरवाइज आप हाथ वगैरह कितना भी टच करो इस पर
कोई काम नहीं करने वाला। तो ये पेन है आपके पास, तभी लिख पाओगे आप। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डेमो के तौर पे दिखा देता हूँ कि कैसे इसे लिखा जाता है। तो दोस्तों मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, फिर मैं यहाँ से इसको है वो पावर ऑन करूँगा। ये बटन है देखो, मैंने इसको जैसे ही प्रेस किया तो इसका है वो पावर ऑन हो गया। अब जो आप लैपटॉप में डिस्प्ले देख रहे हो, सेम की सेम डिस्प्ले है वो इस पैड के अंदर है वो दिखेगी। तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब आपको लैपटॉप की डिस्प्ले पे दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कैमटेशिया सॉफ्टवेयर है वो ओपन करना है। अब ये ओपन होते कुछ टाइम लेगा, 10-20 सेकंड, जितना भी टाइम ले उतना टाइम लेगा। ये ओपन हो गया। अब उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे है वो क्लिक करना है। तो ये मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे है वो क्लिक कर दिया। तो अब ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा, की मांग रहा है इसलिए। अब आपको यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो मैं इस रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे वो क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख रहे हो मेरा कैमरा है वहाँ से ऑन हो गया है, माइक है वो भी ऑन हो गया है। माइक भी मैं आपको चेक कराता हूँ, देखो मैं माइक को जैसे ही प्रेस करता हूँ साथ में वहाँ पे वो ऑडियो वाली आवाज़ है वो ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल जूम है वो ओपन करना है और यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जान रहे हैं जब आप गूगल जूम चलाते हो तब नेट है वो आपके पीसी के अंदर है वो कनेक्टेड होना चाहिए, यदि नेट कनेक्ट नहीं है तो ये काम नहीं करने वाला। अब आपको यहाँ पे शेयरिंग स्क्रीन पे क्लिक करना है। अब आप स्क्रीन को शेयर करके पढ़ाना चाहते हो या व्हाइट बोर्ड से, तो मैं आपको वीडियो के अंदर है वो व्हाइट बोर्ड से पहले बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो मैंने व्हाइट बोर्ड का सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने फुल स्क्रीन की। अब मैंने कैमटेशिया से एक स्क्रीन एरिया है वो सिलेक्ट कर लिया कि इस एरिया के अंदर है वो रिकॉर्डिंग होनी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग के अंदर न आए। अब कैमटेशिया से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने लगेगी और ये पेन तो इसके साथ फ्री में आता ही है। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इस पैड के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, टेक्स्ट भी कर सकते हो आप। और यहाँ पे जो ड्रॉ है वहाँ पे क्लिक करना है आपको, और जो कलर है वो आपको सेलेक्ट करना है, जो भी जिस कलर से आप है वो लिखना चाहते हो। सपोज़ कि आप जैसे मान लो कि केमिस्ट्री के अंदर IUPAC नामकरण करना चाहते हो तो IUPAC नामकरण। तो इस टाइप से आप इस पैड के अंदर जो भी लिखोगे टाइप करोगे वो सारा का सारा है वो रिकॉर्डिंग होगा। और साथ में इस साइड में यहाँ की जो स्क्रीन है उसके अंदर आपका जो वीडियो है वो कैमरे के सामने आएगा, उसे आप ग्रीन इफेक्ट हटा दोगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे है, तो इस वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ। और यदि आपको यहाँ से पूरा क्लियर करना है तब आप यहाँ से आके पूरा क्लियर कर सकते हो, और यदि रबड़ से क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से आप इरेजर लेके भी है वो साफ़ कर सकते हो, ये देखिए। तो आपको जो भी जिस टाइप से सेलेक्ट करना है उस हिसाब से कर सकते हो। यदि आपको स्क्रीन के अंदर करना है तो आप स्क्रीन के अंदर भी कर सकते हो। जैसे आपका कोई डायग्राम है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मेरे डाउनलोड में गया और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे डायग्राम है, जैसे मानव तंत्र का मैंने डायग्राम है वो यहाँ पर ओपन कर लिया, ये देखिए। अब इस डायग्राम पर आप कुछ यहाँ पर लिखना चाहते हो तब आपको यहाँ से आना है, स्क्रीन शेयरिंग पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है। व्हाइट बोर्ड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर आप क्लिक नहीं करना है, आपको स्क्रीन शेयरिंग पर करना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए डायग्राम आ गया। अब इस पर आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आना है और ये देखिए अब आप जो भी यहाँ पर लिख के बच्चों को समझाना चाहते हो वो पूरा का पूरा है वो समझा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। क्लियर भी करना चाहते हो तो आप यहाँ से वो क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने दोनों टाइप से आपके बता दिए हैं, इसे आप PDF के अंदर भी कर सकते हो। मैंने तो एक डायग्राम का उदाहरण लेके आपको समझाया है, इसकी जगह आप है वो PDF है वो यूज़ में ले सकते हो। और फिर भी यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई है वो तुरंत दूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ है वो वीडियो शेयर करें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, जिससे आपके दोस्तों को भी ये इस वीडियो से कुछ हेल्प हो सके।